to Comedy Circus Ke Mahabali. आज यहाँ कॉमेडी की धांधली होगी, सारी जोड़ियाँ अपना अपना पार्टनर बदलेंगी, लेकिन एक जोड़ी है जो कभी नहीं बदलेगी, वो अपने प्यार को एक दूसरे से 1/2 करती रहेगी. So please welcome film 1/2 की amazing and sweet जोड़ी अभय देओल एंड प्रीति देसाई. एक मिनट, देओल जी आए हैं. देओल जी कहाँ हैं? देओल जी आए यहाँ पे. देओल जी कहाँ हैं? यहाँ हैं. Oh my God, देओल जी, जोरदार तालियाँ. अरे देओल जी, मैं आपका इतना बड़ा फैन हूँ. वो प्लीज अपना डायलॉग सुना दीजिए एक बार, वो वाला. तारीख पे तारीख. सुदेश जी, आपकी कॉमेडी बहुत ही अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है. सीधा सीधा बोलो ना यार, अभय देओल है यार. आप यहाँ अभय देओल के लिए जोरदार तालियां हो जाए. आप? मैं प्रीति. यू सो प्रीटी, यू सो ब्यूटीफुल. नहीं नहीं, मैं आप ही के बारे में सोच रहा था. अभय, आपकी वो फिल्म आई थी वो देवडी. अरे क्या यार, आप उस फिल्म में वो दारू वारू पी के ऐसे ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहे थे, ऐसा क्यों? यार दोनों तरफ चखना था तो फिर हो गया, यू नो. पंजाबी में वैसे भी है. क्या बात है, चकना दोनों बाजू में चकना. हम लोग कैसे करेंगे भैया, हम तो यहाँ पर सिंघाड़ा ही मिलता है हमको यहाँ पे सब. हमारी लाइफ में क्या बकवास कर रहे हो कृष्णा, ये दोनों यहाँ पर अपनी फिल्म 1/2 प्रमोट करने आए हैं, जरा उसके बारे में बात करें. हाँ, 1/2 फिल्म आ रही है, जोरदार तालियां हो जाए फिल्म के लिए. फिल्म में मैं उसके प्रोमोस देख रहा हूँ. भाई आप ऐसे गिटार विटार बजा के ऐसे बहुत सारे गाने वाने गा रहे हो, है ना? मेरी शादी होगी तो आप मेरी शादी में गाना गाओगे? हाँ जरूर, लेकिन तुम्हारे साथ शादी करेगा कौन? ओ, सर जी, मैं अपनी खुद की शाह लेके घूमता हूँ. कौन? नसरुद्दीन शाह? नहीं नहीं, नसरुद्दीन शाह वो तो बहुत ब्यूटीफुल है. मेरी वाली जो शाह है उसका ब्यूटी से कोई लेना देना नहीं. मैं कश्मीरा शाह की बात कर रहा हूँ. क्या है कि कश्मीर का मसला सॉल्व हो सकता है लेकिन कश्मीरा का मसला कभी भी सॉल्व नहीं हो सकता. अच्छा मेरी शादी होगी तो मेरी शादी में आप गाना गाओगे? ऑल राइट, जरूर, व्हाई नॉट. और आप मेरी शादी में मुझसे शादी करेंगे? शादी तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन मेरा हीरो के साथ भैया. एक नए रियलिटी शो में टैलेंट का टेटवा दबाने आ रही हैं भारती एज अ रियलिटी शो जज एंड जैमी एज वेरियस कैरेक्टर्स. पहचाना आप लोगों ने? नहीं. मैं थप्पड़ मारूंगी बदतमीज. ऐसे तो मैं पहचानी नहीं जाती. अब पहचाना आपने? अरबाज कैसे हो? इधर तुम जज, उधर पत्नी जज, पहले इधर भाई जज. मैं तो कहती हूँ अरबाज, गैलेक्सी हाइट का नाम हटा के ना हाई कोर्ट लिखवा दो. खैर, अबे बुत्ते कैसे हो? बहुत बढ़िया पिक्चर थी आपकी बेटा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, बहुत बढ़िया. मैं सच्ची बोलूं, मेरे को सिर्फ हुजी प्रोफाइल ठीक है. मेरे को बच्चे दो ही लोगों का काम अच्छा लगा था फिल्म में, पहले तुम और दूसरे वो सांड जो पीछे भागता ना लास्ट में. ओए होए होए, क्या भागे, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन वाली परफॉर्मेंस थी सांडों की. अच्छा किया तुमने वो लड़की से शादी नहीं की, कलकी से, ये ज्यादा अच्छी है. वो तो कल की थी, ये आज की है. ताली बजाओ. मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने शो में इंडियाज गॉट टू लेट. कौन करेगा हुनर का सत्यानाश? नमस्ते मैडम. नमस्ते जी. नमस्ते. क्या करके दिखाएंगे आप? मैं थप्पड़ मारूंगी बदतमीज. क्या करके दिखाएगी? पता नहीं कहां कहां से मुंह उठा के ये लोग आ जाते हैं.
बेटा क्या करोगे आप बताओ, क्या करोगे? मैं ना कुछ अलग करके दिखाएगी। हाँ बेटे, क्या करोगे अलग? मैं करूंगी डांस। जोरदार तालियां बच्ची के लिए। डांस, मैंने ऐसा शब्द आज तक अपनी लाइफ में नहीं सुना। ओ गॉड, डांस आज तक किसी भी टीवी शो पे कभी नहीं हुआ जो आज हमारे मंच पे होगा। क्या बात है, हो जाओ शुरू। क्या हुआ बेटा? मैडम, हम लोग कितने गरीब है मालूम है? कितने गरीब है, हम लोग को कितना तकलीफ होता है। हम लोग को चार रोटी खाने का मन करता है ना, तो एक रोटी पे चार लिख के खाते हम लोग। चुप करो बच्चे, आंसू पोंछो। ये मंच बड़े बड़े लोगों की ना किस्मतें बदल देता है। पानी चाहिए बेटे? उसी पानी दे इसको बदतमीज। बस बच्चे बस, चलो परफॉर्मेंस करके बताओ बच्चे। बेवकूफ लोग, हम लोग इधर जोकर बैठे हैं सामने। इतनी अच्छी फैमिली वाली हो और ये क्या कर रही हो? मच्छर मार रही हो पैर से। मैडम तमीज। वो कुछ बोल रहे? हाँ अच्छा, तारीफ करनी है? बदतमीज, स्क्रिप्ट तो बेइज्जती वाली रखी तुम लोगों ने। क्या बात है बच्चे, क्या परफॉर्म किया। I can't believe! मेरी तरफ से बहुत बड़ी हाँ है। I can't believe! चलो बच्चे जाओ अभी। I can't believe! अगले राउंड में मिलते हैं। हुजी, प्रोफाइल वाला कैमरा बंद कर, पानी पीना है। अरे रब्बा। उसी लंच ब्रेक कब करोगे भी? बस 10 मिनट मैडम, 10 मिनट, एक दो लोग। क्या उसी, तुम लोग दोपहर कर देते हो शुरू करने में, और ऊपर देखो इधर ही हमारे तुम लोगों ने ले लद्दाख बनाया हुआ, एसी क्यों इतना सर पे रखा हुआ है? ना कोई शॉल स्वेटर कुछ नहीं रखा होता। अपने कपड़े लेकर आओ, अपना ही सब कुछ लेकर आओ। नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से आई हैं आप? हम बिहार से आए हैं। क्या करोगे बच्चे आप? हम गाना गा के सुनाएंगे। चल बेटा फटाफट गा ले। बेटा आगे आके परफॉर्म करो ना, उधर से मैं कैसे देखूंगी? उधर कैमरा लगा है, प्रोफाइल मेरा इस कैमरे पे आ रहा है, इधर आके परफॉर्म करो। अरे उधर से आपका डिंपल दिखता है, इधर से हमारा पिंपल दिखता है। मैं बदतमीज, थप्पड़ मारूंगी मुंह पे। बकवास करते हो, पता नहीं छोटे छोटे शहरों से आ जाते हो। बस करो, खत्म कर दो शो, अब नहीं रह गया टैलेंट। मैडम। हाँ। ओ जो सोहर है। हाँ, तो पहनी दिख रहा। ओहो बेटा, आजकल कॉफी बेचने लग गया ना वो। बड़े बड़े लोगों के घर मग उठा के चला जाएगा। कॉफी कॉफी। और दूसरी जो थी मलाइका। हाँ मलाइका। मलाइका तो मेरे हाथ तो आ जाए ना किसी दिन, चूम लूं मैं उस बच्ची को। बड़ी प्यारी बच्ची है। क्या बात है? आती नहीं है ना शो पे? नहीं आती। नहीं आती। बड़े लोग हैं ना, घर से अपने रिएक्शन कमेंट्स भेज देती है। तीन तीन चार चार तो खुद के अपने डायरेक्टर है उनके घर में। क्या बात कर रही है? ओए मैं थप्पड़ मारूंगी बदतमीज। तुम यहाँ हुनर दिखाने आई हो, हम सबकी चुगलियाँ सुनने आई हो? थप्पड़ मारूंगी इधर आई तो। अरे क्या थप्पड़ मारेगी? अरे काट के रख देंगे। अरे गुलाबी गैंग का नाम सुने? काय आवाज कहाँ गई? ओ बेटा हवा निकल जाती है ना, सॉरी सॉरी। आप बेटा सीधा हमें सेमीफाइनल पे मिलेंगी। मिलेंगी। चलो अभी नाक मत फुलाओ, गुस्सा छोड़ो। गुस्सा छोड़ो। चलो अभी स्माइल दो। स्माइल। चलो सेमीफाइनल में मिलते हैं सीधा। मिलते हैं। चलो चलो चलो। क्या बात है, बाय बाय बाय। थप्पड़ मारो। पूजी, यार तेरे को कितनी बार बोला मेरे को भी कॉमेडी सर्कस में ले जा, इधर तो तुम लोग खाने का मौका ही नहीं दे रहे। टैलेंट देखो टैलेंट, इस टैलेंट देखने के चक्कर में ये टैलेंट पतला हो रहा है। पूजी देख, लंच ब्रेक तो नहीं कर रहे, मैं सूप पी लूं? बस एक दो लोग बाकी। नहीं नहीं, सूप पी लेती तो मैं रोक उसको। आए ओए, अच्छा आया डूंगा सी मेरा। चालू उसी भेज अगला बंदा।
अभी डाले How are you, darling? सारा प्रोफाइल खराब कर दिया वो कैमरे पे आ रहा था मेरा. Thank you so much, so nice. नमस्ते नमस्ते नमस्ते. हेलो, क्या नाम है आपका? सुधा. क्या करके बताएंगे आप? मैं स्टंट करके दिखाऊंगी. स्टंट? क्या स्टंट करेंगे? मैं कांच खा के दिखाऊंगी. कांच तो 3 महीने का बच्चा भी खा सकता है. हाँ, कोई टॉफी खा के बताओ खतरनाक. कोई चॉकलेट खाओ. हैं, इधर बैठ के आइसक्रीम खाओ मजे से. बट इससे अच्छा भीख मांग लो. शक्ल तुम्हारी जोनी लीवर जैसी. जोनी लीवर बन के 4 पैसे कमा लो. बेटा मेरी तरफ से ना, बेटा बच्चा अपना ही करो जाके. मेरे पेट का सवाल है इसलिए मैं करती हूँ मैम. अच्छा, कांच खाने से बेटा क्या कमा लेते हो बताओ? मैम दिन के कुछ 2-2.5 हजार तक कमा लेती हूँ मैम. बेटा मैं कर सकती हूँ ये. Control. मैं कह रही हूँ बेटा मत किया करो. कुछ और तुम्हें हुनर है तो बताओ वरना बेटे आ जाओ. प्लीज प्लीज एक चांस. मैं कागज फाड़ के दिखाऊंगी. ओह माय गॉड, दैट इज इट, दैट इज इट. एक मिनट बेटा, बेटा एक मिनट बेटा, मैं नहीं देख सकती. मैं बेटे मेरे से नहीं ये चीजें. फेमस पल्लू, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ. ओके ओके. नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं देख रहा. मैं देख रहा हूँ पल्लू उनका आ गया, आप चिंता मत कीजिए. आपने देख लिया आप पल्लू के पीछे क्या करती हैं. पल्लू नीचे उतार दीजिए, कागज फट गया है, कागज फट गया. अमेजिंग टैलेंट, आई वुड से कमाल कर दी. कमाल का परफॉर्मेंस, ये है हमारे शो में कमाल होने वाली. एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मलाइका का मैसेज आया, उसने रिएक्शन भेजा है. ओ ये वाला ये, और लिखा है इसने वाकई ही कमाल कर दिया. कमाल कर दिया, कमाल कर दिया. थर्ड जज की तरफ से भी अप्रूवल है. क्या बात है बेटा, तुम हो सीजन 5 की विनर. ओह माय गॉड, बदतमीज किसने रखा ये? तुझी कमाल कर दी बच्चे. थैंक यू. अच्छी कमाल कर दी. थैंक यू बच्चे, तुम्हारी लाइफ बन गई है. जो तुमने ये काम किया है ना चैनल की तरफ से, जो तुम्हें मिलने जा रहा है. और हमारी इस सीजन की विनर है द वन एंड ओनली, द मल्टी टैलेंटेड, द सुपरस्टार. और चैनल की तरफ से ये तुम्हें तो एक बार जोरदार तालियां हमारी विनर के लिए. Big round of applause for Mantra. Thank Mantra? You so much. Yay, Mantra. Abhay, आप पहचान पाए? हाँ हाँ, मैं पहचान पाया था. Very good. मैं तो ऐसे ही बैठा हुआ था almost. I only sit like this and watch. पर बहुत funny था, बहुत funny था. Especially जैसे आपने dialogue आपका बदतमीज थप्पड़ मारूंगी. मैं थप्पड़ मारूंगी बदतमीज. बदतमीज. और आपकी हंसी. Can I hear you laugh again? Superb, thank you. Priti, what did you think? It was hilarious. Really nice. Thank you, ma'am. Bharti, you have, I think, outclassed अपने आप को भी. इतने सारे acts करने के बाद अगर आप एक नया character इतने सालों बाद हमें दे सकते हैं, hats off to you. Fabulous. Thank you. Bharti, fantastic. And मैं आपको बता दूं, because Malaika ने मुझे mention किया था कि Kiran ji is a very big fan of this show. बिल्कुल सर, मेरे से भी मिलती है तो हमेशा शो की बातें करती है. वो इतनी गहराई से देखती है, उनको ये भी पता कि हमारे सेट पे कितने घोड़े बनाए हैं. और लास्ट टाइम वाला सेट ये था, अभी ये था, उसमें वो तभी तो मैं डर रही हूँ कि ये एपिसोड भी देखेंगी वो. No, फिर क्या होगा? I'm quite sure that if she can appreciate the show in the spirit, तो she can obviously look at the interpretation of this exaggerated character of Kiran ji and enjoy it, and like how we all enjoyed it and loved it. Superb, very well done. बहुत मजा आया. अभय सर और प्रीति मैम, आप दोनों अच्छा डांस सीखना चाहते थे ना,
मुझसे बढ़िया तो अच्छा डांस कोई सिखा नहीं सकता क्यों अरबाज सर? बिल्कुल मलाइका मैम जब भी छुट्टी होती है हमेशा अरबाज सर मेरे पास छोड़ के आते हैं तुम थोड़ा डांस सीखो तो मैं चाहती हूँ कि सर आप भी प्लीज दोनों इधर आए खुद को बेस्ट साबित करने के लिए अपनी अच्छाई और दूसरों की सच्चाई बताने आ रहे हैं कृष्णा एंड राजीव ठाकुर प्लीज गिव देम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज क्या पहले डांसर लोग हैं क्या बात है वेरी गुड थैंक यू वेरी मच क्या बात है तुम लोग सबने टैटू बनवाया यार हैं साले जाके करियर बनाओ अपने टैटू क्या बना रहे अरे इतने बड़े फैन है अर्चना ये देखो आपका टैटू बना है इसने संभाल के रखना औरत अंदर ना घुस जाए ये देखो अबे जी ऐसे नहीं लगता बॉबी देओल सूझ गया जाओ 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 अरे यार ठाकुर ऐसे नहीं लग रहा दारू पीने के बाद हम लोग खजुराहो में आ गए खजुराहो नहीं अपना सेट है कॉमेडी सर्कस नहीं नहीं खजुराहो है नहीं नहीं ये 200 साल पुरानी मूर्ति बाहर आके क्यों बैठी है यहाँ ये क्या मूर्ति है साले ऐसी ऐसी मूर्तियां लगाई यहाँ फिर कहते डबल मीनिंग बातें मत करो करो बहुत हो गया तेरा ठाकुर आराम भाई मेरा पार्टनर ठाकुर मैं तूने दारू क्यों पी इसी गम में यार मेरा तो ठीक है तू दारू पी के क्यों है अब मुझसे ना होश में ये शक्लें बर्दाश्त नहीं होती है यार किसी ने वो सही बोला है क्या ये दारू पी के दो के चार हमेशा दिखते चार ही नहीं इन दोनों को तो मैं गिनती में नहीं लेता मैं उनकी बात अभय और प्रीति पहली बार जोरदार ताली हो जाए मेरे लिए अब मैं सच्ची आप लोगों के बात बताता हूँ फिल्मी परिवार से होने के बावजूद खुद का नाम कमाना खुद के दम पे बिना किसी सपोर्ट के अपनी फैन फॉलोइंग बनाना कोई छोटी बात नहीं है बिल्कुल सही आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ आई एम प्राउड मैं इसी बात से दुखी हूँ ये अपना बॉलीवुड है ना इधर भांजावाद और भतीजावाद बहुत है ये देखो गोविंदा का भांजा और उधर बैठे धर्म जी के भतीजा मैं तो छोटा मोटा भांजा हूँ अरे तो बहुत बड़े भतीजे हैं सही बोला देखिए देख गेस्ट की इज्जत करनी सीख अबे जी आपके कजन्स के नाम कितने प्यारे हैं ना सनी बॉबी ईशा आना और इसके कजन सुन लो शैम्पी डम्पी पंपी कजन कम डायपर के नाम ज्यादा लगते हैं मेरे को हमेशा बड़ा तू अबे चुप अबे चुप अबे तो कब से चुप बैठा है अबे उनको ये तेरे को बोल रहा अबे चुप अच्छा मेरे को बोल रहा है सॉरी सॉरी तेरे को मालूम अबे का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं इनकी एक्टिंग का 1:40 की लास्ट लोकल में थे ना हाँ फिल्म की बात नहीं कर रहा ट्रेन माइम स्टेशन पे देखा मैंने अच्छा अच्छा था अरे वो उसमें ट्रेन में मैं भी था हाँ ये शाम को ना लेडीज बन के घूमता उस ट्रेन में हाँ तो क्यों ना बनू 1:40 की लास्ट लोकल देखी थी देखी थी नेहा से ज्यादा औरत लगता हूँ मैं Oh, my God.
सच्ची बात है, वो तो सिर्फ जाते जाते लेडीज लगती है, मैं तो आते आते भी लेडीज लगता हूँ। इज्जत करने से गेस्ट आए हुए हैं, एक मिनट पता क्या, देखो अभय जी को पता है इधर क्या होता है, तो आप नए नहीं हैं, प्रीति जी पहली बार आई हैं, इनको इंट्रोडक्शन कराना चाहिए मालूम। बिल्कुल सर, हाँ। इंट्रोडक्शन करो। ओ, प्रीति जी इंट्रोडक्शन करा, ये अरबाज भाई हैं, मोस्ट हैंडसम मैन, मोस्ट लवेबल मैन, टैलेंटेड फैमिली के टैलेंटेड एक्टर, और सबसे बड़ी बात सुपर हिट डायरेक्टर, और अनफॉर्चुनेटली हमारे जज भी है। अनफॉर्चुनेटली क्यों बोल रहे हैं? अच्छा तो फॉर्चुनेट कर दे, कौन से 10 नंबर दे देंगे तेरे को? हाँ फॉर्चुनेट कर दे। एक मिनट एक मिनट, इनको सब जानते हैं लेकिन इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा जो इनके बगल में बैठी हैं। अच्छा। अर्चना पूरन सिंह, मड की मशहूर अभिनेत्री। अच्छा। अबे बच्चा बच्चा जानते हैं उनको? अबे तो जानेगा ही ना बच्चा बच्चा, हर बच्चे की तो चॉकलेट छीन के भागती है ये। अबे चुप, अबे चुप, अबे चुप है, अबे तेरे को बोल रहा हूँ। ओके ओके ओके, खबरदार अर्चना जी के बारे में एक भी लफ्ज कहा जो तूने। अरे वो बाहर जो करना है करें, कुछ भी करें, ये पर्सनल लाइफ है। इधर तो हमारी जज है ना, हम तो यहाँ खुल के गालियां देंगे। क्या गलती रहती है प्रीति जी? वेरी स्वीट हेलो। अबे सर आज तक हमको हेलो बोला गया तूने? तेरे को क्यों बोलूं हेलो, क्यों बोलूं तेरे को? हैं, इधर हेलो बोलूंगा तो शायद हेलो बोल के फिल्म में काम मिल जाए। बेटा अगर हेलो बोल के फिल्मों में काम मिलता ना तो कॉल सेंटर वाले सारे हीरो हीरोइन होते, समझा? अबे हम लोग स्टैंड अप करके दिखा, चल कर कर के दिखा। एक मिनट भले पी लाऊंगा। स्टैंड अप करने के बोलो, 15 मिनट का डांस करके जाता है यहाँ पे। अच्छे भले कॉमेडी सर्कस को भूखी भूखी बना के रखा हुआ है इसने। डांस करता है स्टैंड अप, तेरी वजह से हमारा अच्छा खासा जावेद जाफरी जैसा डायरेक्टर आजकल नवेद बन के घूम रहा है, बता। अपनी मेहनत से आए इधर, अपनी मेहनत से बैठी है वो कुर्सी पे, अपनी मेहनत से खड़े हम यहाँ पर मामा के बगैर, समझा? एक काम कर, क्या? मेरे मामा को ले जा तू, कुछ नहीं किया उन्होंने मेरे लिए, लेके जा। अबे क्या करते? लेके जा। क्या करते तेरे लिए हैं? अलग से तेल की फैक्ट्री खोलते कि मैं घुटने का बेच रहा, तू ठुड्डी का बेच ले? क्या करते तेरे लिए? ए इमोशनल नहीं कृष्णा, ए इमोशनल नहीं होना, इमोशनल नहीं एक्ट में, इमोशनल नहीं होना तो होना पड़ता है आजकल, इमोशनल पे स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं लोग। दो चार अच्छी बातें क्या कर लो, खड़े हो जाते, वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। ये अपनी शुरू थी, इसके बारे में कुछ सोच यार, कुछ यार मैंने बड़ा सोचा इसके बारे में, मैं एक लड़का लाया हूँ शादी के लिए। क्या बात कर रहे हैं? हाँ नाइजीरिया से बहुत बड़ा हंक आया है। हाँ सीरियसली इसको शादी करा, खत्म करो यार इसका, है कि नहीं यार? ब्ला ब्ला ब्ला। वाह, मैं इसको देख के मुझे दो लाइनें याद आई हैं। गंदे हैं हम इतने, हम पे किसका जोर, जिधर से भी निकले गटर खुलते हैं चारों ओर। आप लोग मेरी बेइज्जती तो नहीं कर रहे? अरे नहीं नहीं, आपकी बेइज्जती बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपकी इज्जत हो रही है। हाँ यार कौन है आप, आपका नाम क्या है? देखो नाम का तो ऐसे हैंडसम आदमी की क्या नाम है? बस इतना समझ लो मेरी पूरे परिवार है ना, मुझे चांद का टुकड़ा कहता था। ये आपका परिवार कहाँ मिलेगा? वो बस्ती वाले ने मार दिया, कहते इतना झूठ हमें हजम नहीं हो रहा। एक बात बताओ, सच बात बताओ मेरे को, ये दांत तुम्हारे अपने हैं या किसी चिंपैंजी के छीन के लगाए हैं? मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। चलो पॉइंट पे आते हैं, तुमको पता है यहाँ पे हमने क्यों बुलाया है? हैंडसम आदमी को कोई ना कोई बुलाता रहता है, मैंने खुद कर्ज किया हुआ अपने बारे में। कर्ज नहीं होता, अर्ज होता है। अर्ज अर्ज, शायद आदमी गरीब होता है, कर्जा लेके ही जीता। मैं बस में भी अभी पैदल चल के आया हूँ, बस में मैंने अपने बारे में कर्ज किया। हाँ, करो करो करो। तो मैं अपने हाथों से बादलों को हटा सकता हूँ, 100 में से 200 घटा सकता हूँ,
ये तो मेरा दिल डार्लिंग पे आ गया, अपनी प्याऊ तो ऐश्वर्या पटा सकता हूँ। अबे अंदाज देखो अंदाज, ओए पकड़ ले कहीं, पकड़ ले पकड़ ले, ए पकड़ उधर से, कहीं कौवा उड़ ना जाए। तेरे को पता मैंने क्यों बुलाया, शादी करने के लिए। अच्छा लड़की बताओ, लड़की बताओ। आप देखो अपने हिसाब से, पहले आपको कौन पसंद है? एक ही लड़की मेरे लेवल की है। कौन? प्रीति। अभय भाई आप आएंगे मारने के लिए, मैं मार दूंगा। यार इधर उधर की बात मत करो, लड़की बताओ मुझे, लड़की बताओ। अरे तुम्हारे लड़की हट, मेरा भी एक टेस्ट है यार। मैंने मुझे नहीं किया। क्या यार, यही किस्मत है तुम्हारी। छोड़ दे, अच्छी बेइज्जती हुई ना इसकी। बेइज्जती अच्छी है। एक बात बता दूं, ये बोल बच्चन के बाद तेरी फिल्म क्यों नहीं आई कोई? यार ये आज सुबह क्या चाय बनाई यार इन लोगों ने? चाय अच्छी थी, चाय चाय बहुत माइंड ब्लोइंग। ये बोल बच्चन के बाद तेरी फिल्म क्यों नहीं आई कोई? अर्चना जी घर से खाना आया है हमारे लिए, खाना खाएंगे, खाएंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन बोल बच्चन के बाद तेरी फिल्म क्यों नहीं आई? तेरी बहन जो 2 साल पहले भागी थी वो वापस आई कि नहीं? ये क्या बेइज्जती हुई? बेइज्जती महसूस हुई ना बार बार, क्यों पूछता? बोल बच्चन के बाद कोई कुछ नहीं आई फिल्म। आप क्या हंस रही हैं? आपकी भी बोल बच्चन के बाद कोई फिल्म आई है क्या? हमारा छोड़ो, अभिषेक की बहुत मुश्किल से धूम 3 आई है। आप बात करो। पर अर्चना जी थी उसमें। किसमें? धूम 3। धूम 3 में कहाँ अर्चना जी, क्या बकवास कर रहा है? क्या बात कर रहा है, आमिर जिस पे ज्यादा वो कौन था? तब भी मैं सोचूं ये बाइक हवा में उठ के जेटी क्यों बन जाती थी। मड आइलैंड की आदतें गई। सही बोला मड आइलैंड की आदतें। अब कोई गंदी बात नहीं है। हां यार ये तो दोस्त है यार तू मेरा। आई लव यू। कश्मीरा से कब शादी कर रहा है? अबे छोड़, उसे कौन शादी करने वाला है, वो तो ऐसे ही बोल दिया था, पेपर में आ गया। कौन शादी कर रहा है? जब भी घर पे जाओ खर्चा पानी दो। पता है कितना खर्चा पानी देती है मुझे? नल्ली है नल्ली, उसे कौन शादी करेगा? नल्ली। ओ सॉरी कृष्णा सॉरी, ये ना कश्मीरा का कॉल आया था, स्पीकर ऑन छूट गया मेरे से। कुत्ते कमीने, दुनिया में साक्षात राक्षस है तू। सबको बताऊंगी, सिर्फ दिखने में ही लंबा चौड़ा है तू। मुझे बोलता है बड़ा भाई खुद शेव करके आता है ना, तो छोटी बहन की फीलिंग देता है तू। तू घर आ, झाड़ू तेरे नाक में डाल के तुझे मोर नहीं बना दिया ना, तो कश्मीरा नाम नहीं मेरा। अर्चना के सामने 2 नंबर लेने के लिए मेरी बेइज्जती करता है। तू घर आ, 1 नंबर 2 नंबर सबने निकाला ना, हाँ तो देख लेना। बाय 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 बाय। अब मेरी एक बात का ध्यान रखना प्लीज, ये लड़कियां शुरू में ही 32, 24, 36 लगती हैं, बाद में ये AK-47 और 456 हो जाती है, ध्यान रखना पूरी बात का। प्लीज टेक केयर, टेक केयर। हमारे यहाँ पर जो नए जोड़ीदार बने हैं कृष्णा एंड राजीव, उन्होंने आपको कितना एंटरटेन किया? नॉट जस्ट एंटरटेनिंग, पर नाचते भी इतना अच्छे हो आप लोग यार। आई वाज सुपर्ब, आई लव्ड हाउ यू स्टार्टेड इट एंड एवरीथिंग, आई वाज रियली फनी। थैंक यू। आरजी बहुत अच्छी जोड़ी जमाई है, आई लव दिस, द बेस्ट एक्ट। थैंक यू, थैंक यू। कृष्णा राजीव, आपके एक्ट के अंदर कौन थे वो जो आए हमको? राज वर्मा। एंड वो एक्टर हैं, राइटर हैं, उनको जरा बुलाइए, बिकॉज़ एज एन एक्टर उन्होंने जो परफॉर्म किया, ही वाज लाइक, होता है किसी, वेरी वेल डन, यू नो राज, यू आर अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, बहुत अच्छा किया आपने। धन्यवाद सर। एक बार राज वर्मा के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। एक गरीब किसान को हो गया है जमींदार की बेटी से प्यार, अब उसे उसका प्यार मिलता है या उसकी मार, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम बलराज एस किसान एंड सिद्धार्थ एस जमींदार की बेटी। सर जी नमस्कार। आप सोच रहे होंगे मैं नल क्यों लेके आया हूं, मैंने कहा बड़ा भाई आके हैंडपंप उखाड़ दे, छोटा भाई नल तो उखाड़ेगा ही। यार मैं
किसान बनाऊं अरबाज भाई। किसान बनने पे कितना दुख होता है, या तो मैं जानता हूँ या सुहेल भाई। हम गरीब आदमी, इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, पेटीकोट पे धोती लिख के पहनते हैं। एक बार मैंने पेटीकोट पे धोती नहीं लिखा, मुझे 3 गुंडे उठा के ले गए। उनका भी क्या कसूर है, हमारे गांव में औरत ही नहीं है कोई। इतना खौफ है हमारे गांव में, हमारे गांव में तो फीमेल सब्जी नहीं पैदा होती। तू वहां की मिस इंडिया बन सकती है। अच्छा, जब से श्रुति गांव छोड़ के शहर आई है ना, वहां की भैंसे इसको बहुत मिस करती हैं। सारी भैंसे बैठ के आपस में कॉन्फ्रेंस कर रही होती हैं, अब हमारा गोबर करने के बाद हमारी पूंछ की चोटी कौन किया करेगा। क्या रचना जी, हमारे गांव में कोई औरत नहीं है, लेकिन एक ना जिम्मेदार का लौंडा है, साला लड़की बन के घूमता रहता है। अभी कहीं भी आता ही होगा, मुझे लगता है मुझे अपने काम पे लग जाना चाहिए। बुन्नू, पहचाना मुझे? मैं राधा। ये देखी राधा, साले सिद्धार्थ सागर, तू साले फिर से लड़की बन के आ गए यहाँ पे। क्यों बनता है लड़की? इसी बार लड़की बन चुका है। ओए ओए ओए, क्या बताऊं मैं आपको अर्चना जी, अरवाज भाई, मैं क्या बताऊं, तेरे गले में ऐसा हथौड़ा फंसा हुआ, जनरेटर जैसी आवाज तेरी। देख मेरी बात सुन, इतनी बार लड़की बनता है, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाई ले। डॉक्टर को दिखाया था मैंने, मैंने डॉक्टर को जाके बोला, मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे लड़की बनने का बहुत शौक है। फिर? फिर क्या, फिर जब मुझे होश आया तो मैं उनकी बाहों में थी। एक मिनट जरा, बुन्नू मुझे शादी कर लो। बुन्नू, राधा, राधा मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा तो ब्रश कर लो। तेरे को शर्म नहीं आती मेरी इंसल्ट करी? मेहमान आए बाहर से, वो देख अभय देओल आए। तो मैं क्या करूं? कल नहीं तेरे को इंसल्ट करा रही, उधर देख, देख। प्रीति देसाई आई, प्रीति देसाई। वाओ, ये कौन है? पाजी बुरा नहीं मानना, ये गांव की लड़की ना देहातन, इसको पता नहीं स्टार क्या होते हैं। सलमान भाई को देख के बोली थी एक दिन, एक्सक्यूज मी, क्या नंगे घूमते रहते, कपड़े पहन के आ गए हमारे गाँव में। रवि किशन का नाम है तो बाथरूम से नाती बाहर आ जाती। रवि किशन आए हैं? बकवास बंद कर बोलू, रवि किशन इज रवि किशन, और रवि किशन इतना अच्छा लगता है मेरे को, पता क्यों? उसका स्टाइल है बोलने का ना, अरे बाबू जिंदगी झंडवा मेरे हाला। रवि के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, आई लव रवि रवि रवि। तुम उसे शादी क्यों नहीं कर लेते? देख राधा, तेरी मेरी शादी एक शर्त पे हो सकती है। क्या? अपने बाप को बोल मेरी माँ के कंगन लौटा दे। कंगन ही लौटाने, उसको बोले मेरी माँ के हाथ ही लौटा दे। बेचारी बिना हाथों के गांव में ऐसे ऐसे घूमती, लोग बोलते हैं छोले 3D की प्रमोशन करने आई है। मुन्नू पुरानी बातें भूल जाओ, मुन्नू उसे शादी कर लो। राधा अगर इस बार फसल अच्छी हुई ना तो मैं पक्का शादी करूंगा तुम्हारे साथ। इसका मतलब अगर इंद्रदेव बारिश नहीं करेंगे तो मैं प्यासे मर जाऊंगी? नहीं मुन्नू नहीं, तुम्हें शादी करनी होगी। बताओ तुम्हें सामने बरगद के पेड़ देख के क्या याद आता है? बरगद का पेड़ उधर है, सामने अर्चना जी बैठी। अगर बरगद का पेड़ इधर है तो चुड़ैले यहाँ क्या कर रही हैं? बरगद का पेड़ देख के मुझे अपना बचपन याद आता है राधा। क्या? जब हम उस पेड़ के नीचे बैठ के गाने गाया करते थे। हाँ तो गाने तो मैं गाती थी, तो करने में लगा। इधर नाक देखो इसकी, इतनी बड़ी नाक है, नाक के बाद सीधा कान आ जाते, गाल है ही नहीं। अगर तुझे मेरी इंसल्ट ही करनी है बेगानों के सामने तो मैं जा रहा हूँ। अच्छा एक मिनट बुन्नू, बुन्नू बुन्नू मेरे पास आओ, बुन्नू मुझे प्यार करो। बुन्नू राधा। हाँ राधा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा राधा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। राधा तो ये क्या कर रहे हो? मैं देख रहा हूँ शेव के बाद भी बाल बचे हैं थोड़े थोड़े। इधर आओ, ऐसे ही बहाने बनाती है ये। अभय जी आप इतना प्यार करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, तुम क्यों नहीं करते? तो मैं करूंगा, मारेंगे नहीं मेरे को वो। मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? जब तेरे को पता है मेरे पास खाना खिलाने के पैसे नहीं, क्यों भूखी मरना चाहती मेरे से शादी करके? मुझे पता है बन्नू कि तुम अपना पेट भरो ना भरो, मेरा पेट कैसे भी करके भर दोगे। दादा देख, मैं तेरी शादी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दे। बुन्नू
उसे शादी कर लो बुन्नू, मैं चाहती हूँ मेरे चार बच्चे हों, छोटे छोटे बच्चे। मैंने तो नाम भी डिसाइड कर लिया है। क्या बात, क्या नाम रखेंगे अपने बच्चों के? 1, 2, 3, 4, नो कन्फ्यूजन। क्या पागल हो रहा था, 1, 2, 3, 4, नो कन्फ्यूजन। देख हम ना पारिवारिक लोग हैं, बड़ों की मर्जी के बिना कुछ नहीं करते। ठीक है, वो पंजाब से भाई आया मेरा बड़ा। ओके, अगर वो तुझे पसंद कर लेगा तो तेरी मेरी शादी हो जाएगी। ठीक है। हाँ अभी जी, आपको मैं पसंद हूँ? हाँ बहुत। तो उनको छोड़ो, मेरे को रख लो। एक मिनट रा पाजी, एक्सचेंज ऑफर होता, आपने मेरा माल भी रख लिया, अपना भी उधर बिठाया हुआ है। अबे पाजी इतने स्वीट हैं अर्चना जी, अगर ये गदर फिल्म में होते ना सनी पाजी की जगह पे, इन्होंने डायलॉग कैसे बोलना था? अशरफ अली देखो सकीना को हमारे साथ जाने दो, नहीं तो अगर ये जट बिगड़ गया ना मम्मी ने शिकायत लागनी है। चल उन्होंने पसंद कर लिया तेरे को, हाँ तेरी मेरी शादी होगी, चल चल हम दोनों हनीमून मनाने चलते हैं, आ जा। तो अभय आपको वाकई अच्छी लगे सिद्धार्थ और बलराज? हाँ बहुत, I've laughed, I haven't laughed like this in a long time. और स्पेशली वो डायलॉग जो तुझे कहा था, सब भैंसी तुझे मिस कर रही हैं। That was superb, I loved it, awesome. आरजी, I love the act. I thought it was very sweet. Both of you have done an equally good job. Thank you, ma'am. Thanks, Archie. Abhay. Balraj, Siddharth, I must say this is one of the best acts that I've seen. So, non-stop you. Entertainment. आज मैं beginning से लेके end तक हंसता रहा, जो आप लोग शिकायत करते हैं कि मैं हंसता नहीं, लेकिन this was a highly entertaining act. And I thought it's one of the best acts that I've seen in recent times. Thank Very you, good. Sir. Thank you so much. महंगाई की मार के कारण मंत्रा अपने घर में कोई पेइंग गेस्ट रखना चाहता है। अब उसे कैसा पेइंग गेस्ट मिलता है, चलिए देखते हैं। प्लीज वेलकम मंत्रा एज हिमसेल्फ विद सुदेश एज वेरियस कैरेक्टर्स। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए सर। नहीं सर, हाँ सर, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए सर। सर कोई सा भी कर लूंगा सर। नहीं सर, सर कोई सा भी रोल चलेगा सर। सर मैं कॉमेडी सर्कस में ऑडियंस मेंबर बन के बैठ सकता हूँ सर। सर कुछ भी चलेगा सर। सर प्लीज स्ट्रगल के स्ट्रगल को समझो। स्ट्रगल ना ही एक स्ट्रगल है। स्ट्रगल के जो ना स्ट्रगले, मेरी स्ट्रगल में ना स्ट्रगल है। अर्चना जी, मैं वो जंतु हूँ जो लोखंड वाला के कॉफी शॉप्स में पाया जाता हूँ। हेलो अभय जी, आई एम अ स्ट्रगलर। स्ट्रगलर अरवाज भाई, मैं वो हूँ जो ऑडिशंस के अंदर एकदम ब्रांडेड कपड़े पहन के पहुंचता हूँ, लेकिन घर पे अगर आप आकर देखोगे तो फटे बनियान और चड्डी में पाया जाता हूँ। बहुत स्ट्रगल है। मैं ये छोटे से खोली में रहता हूँ, खोली यू नो, खोली स्मॉल कमरा छोटू, बट नो किराया, हाफ मनी नो हैव। इस चक्कर में मैंने सोचा कि अपना आधा कमरा किसी को किराए पे दे देता हूँ। एक पेपर में आर्टिकल भी दिया था, किसी एक अंकल जी का कॉल आया था, अरे कहाँ रह गया वो बुढ़ा। ये एड्रेस पहले देख लूं यार। एक तो आप सुंदर सुंदर लड़कियां सामने बिठा दे, अखबार पढ़ोगी? इधर देखो सामने जहां पे अब्बे देओल बैठे, हाँ बैठे हैं ठीक है, और प्रीति देसाई जहां प्रीति देसाई अगर इधर है तो वीरा देसाई रोड इधर होगा। हेलो भाई साहब, अरे क्या कर रहे भाई साहब? मैं बॉम्बे पहुंच गया। डैनी साहब, डैनी साहब एक डायलॉग सुना दो घातक फिल्म का प्लीज। कुत्ते की तरह मारूंगा मैं इसे, कुत्ते की तरह लूटेगा ये कुत्ता, इसका बाप कुत्ता कुत्ता। मैं कुछ इतना बेवकूफ नहीं, मेरे को पता है ये मंत्र है, तो इसका टैलेंट दिखा रहा हूं, हो जाओ। आप कौन? अबे देओल साहब हैं ये, इनकी फिल्म आ रही है भैया। कभी आप कौन ऐसे बोलते, शर्म नहीं तेरे को? उनको नहीं बोल रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा मेरी जय हो आ रही है, जय हो। पूरी फिल्म में मेरा रोल है 2 मिनट का, मैं भी वहां जाके बैठ जाऊँ? जाके बैठ जाऊँ? अरे एक्चुअली मुझे शुरू से बड़ा शौक था, मैं कि फिल्मों में छोटा मोटा सीन मिल जाए, चाहे हीरो का मिल जाए, तो मैं अपना लक जमाने के लिए बॉम्बे में आया। इस उम्र में लक नहीं आजमाते हो? लकी लकी ओए, लकी लकी ओए, लकी लकी। आप इस कमरे में रहना चाहते हो, लेकिन कुछ शर्तें हैं जो माननी पड़ेंगी। बताओ। आप लेट नहीं आओगे? नहीं, मैं तो जल्दी आ जाऊंगा, तुम लेट आना। क्यों? फिर उसको बुलाना होता है ना। कैसे शौक पाल के रखे हैं सुमर में? गलत मत समझो, अरे जिसने जन्म दिया है उसको मैं कैसे भूल सकता हूँ। सॉरी सॉरी, माता जी आ रही हैं? नहीं माता जी नहीं, डार्लिंग आ रही है, उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया है। आपको यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं, आप जा सकते हैं यहाँ से। किसी और को रखना, कोई बात नहीं, मैं बैंक में मेरे साथ लोन की बात चल रही अभी करता हूँ। हेलो
या हाँ जी 3 करोड़। थैंक यू सो मच। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता जो आपने मुझे मुंह पे मना कर दिया। हाँ जी ओके नो प्रॉब्लम। हेलो अरे अंकल जी बात सुनो। चलो खैर स्ट्रगलर की जिंदगी, हमको तो ये सब झेलना पड़ेगा ही पड़ेगा। सबकी फिल्में थोड़ी ना आती है देवडी नाम की, मतलब सर क्या परफॉर्मेंस दी थी देवडी में आपने। और मतलब इससे अच्छी हीरोइन कहाँ मिलेगी जो खुद साइकिल पे गद्दा तकिया लेकर खेत तक के चली आई। मतलब जो आपने खेतों में परफॉर्मेंस दी, उस खेत में जो उसके बाद उपज हुई है, मतलब खेती हुई है। एक लड़की का भी कॉल आया था, उसने बोला वो भी यहाँ मुंबई शहर में स्ट्रगल करने आ रही है। आई जस्ट होप कि ठीक ठाक लड़की हो, मौका मिल जाए। क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। मैं कहती हूँ छोड़ दे मुझे। मैंने तो पकड़ लिया। फिर कह रही हूँ आखिरी बार छोड़। मैं कुछ कुछ ही करना चाहती हूँ। क्यों? अभी दियो बनना चाहती हूँ मैं। अच्छा जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को, बड़े बड़े स्टार्स का नाम लेके तुम फायदा उठा रही हो। बड़े स्टार का नाम नहीं लेना। नहीं लेना, मैं राजपाल की वजह से मरना चाहती हूँ। मैं उसकी वजह से मरना चाहती हूँ। मैंने तो मरना है बस, किसी भी मार दो मुझे। अरे लेकिन किया क्या उस आदमी ने? इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं बॉम्बे स्ट्रगल कर रही हूँ। मैं स्टेशन से उतरी, ये अमीर बंदा स्कूटर पे जा रहा था। मैंने कहा मुझे मलाड छोड़ दो, कहते नहीं। मैं कह मीरा रोड, कहते नहीं। मैं कह लोखंड वाला नहीं। इसने मुझे कहीं नहीं छोड़ा, ये जो प्रीति इसको बिठा लिया। स्मार्ट लड़कियों की कदर ही नहीं इसको। रिलैक्स रिलैक्स, आप मुंबई क्यों आई हैं? हर स्मार्ट लड़की कोई ना कोई सपना लेके आती है। मैं हीरोइन बनने आई हूँ, बना दो। मैं कैसे हीरोइन? थोड़ी सी बना दो, थोड़ी सी बना दो। अरे मैं कैसे बना दूँ यार? बारबाज भाई बैठो। मैं नहीं बनूँगी। रुको रुको, ठीक है, यहाँ बड़े बड़े फिल्म मेकर्स बैठे हैं, आप अपना टैलेंट बता दो। ये बत आप एक मिनट क्या कर रही हैं आप? सर ध्यान रखना, मेरे अंदर बहुत टैलेंट है। चलो ठीक है, तो एक फिल्म का सीन करते हैं। डीडीएलजे देखी ना आपने? देखी तो है। क्लाइमैक्स सीन, ओके। आप हीरोइन है? हाँ। काजोल? हाँ काजोल, और मेरी बहन बिग लॉस में है, अरमान पूरे कर रही। सुनिए आप हीरोइन है, ठीक है, मैं आपके बाप का रोल कर रहा हूँ। मैंने आपका हाथ पकड़ा हुआ, आपका हीरो वहाँ पे ट्रेन में बैठ के जा रहा है। ओके okay. आप बोलती है मेरे को जाने दो। मैं आपको बोलता हूँ तुम नहीं जा सकती, लेकिन आखिर में बाप का दिल पसीज जाता है और बोलता है भाग सिमरन भाग। ये थोड़ी होता है, भाग मिल्खा भाग होता है, भाग मिल्खा भाग। अबे मिल्खा कहाँ से आ गया बीच में? अरे उसका गांव है, कहीं भी भागे वो, उसका क्या मतलब है? अरे भागो, ट्रेन छूटे जा रही है वहाँ पे। ट्रेन छूटे तो मैं प्लेन में चली जाऊंगी। अरे ना तो मैं तुमसे शादी कर लो, देखो तुमसे कौन करेगा? मैं तो अभय देओल से कर लूंगी, तुम अपनी औकात के हिसाब से ढूंढ ली। श्रुति हमारा एक्ट खत्म हो गया, बस ये बताने के लिए आपको मैं बता रहा था। आइए ना, चलो साथ में लेकर आते हैं। आओ आओ, मुझे बहुत मजा आया यार, इट्स बीन सो मच फन। मेरे अभी गाल में भी पेन होने लग गई है, सीरियसली। ग्रेट जॉब गाइस, थैंक यू। प्रीति, या डेफिनेटली आई थिंक माय आई गॉट अ स्टिच इन माय स्टमक राइट नाउ। लाइक इट्स जस्ट लाइक द कॉमिक, द टाइमिंग इज अमेजिंग। थोड़ी सी हिंदी में कर दो, हमें पता चल जाए। अच्छा सॉरी, कॉमिक टाइमिंग परफेक्ट था, वेरी नाइस, एंड या आई हिलेरियस था बोला उन्होंने। औरत का रूप बहुत सुंदर है आपका। थैंक यू सो मच। या वैसे तो आपका वो एक्सप्रेशन था, होंठों से क्या कर रहे थे, एक बार और कर दो।